स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया जोन में। दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से FM WhatsApp में अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों FM WhatsApp को कैसे आप यहां से यूज करना है वो मैं आप सभी को बताऊंगा, किस तरह से FM WhatsApp को अपने लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। तो आप लोग भी चाहते हैं FM WhatsApp में अपना अकाउंट बनाएं तो आज के हमारे इस वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा। लेकिन दोस्तों से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके साथ ही आपको उस घंटी वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, FM WhatsApp के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप किस लैंग्वेज में FM WhatsApp को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तीर वाला निशान के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप रीस्टोर बैकअप कर सकते हैं या आई एग्री कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डायल कर लेना है। चलिए मैं अपना यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना है। चल मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अलाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा, OTP या ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ले लिया है। और ले लेने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक बार अलाउ के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एक बार और अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। स्किप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम कौन सा रखना चाहते वो यहाँ पे आपको नाम रख लेना। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है एस्ताज, तो मैं यहाँ पे एस्ताज लिख लेता हूँ। उसका नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि FM WhatsApp में मेरा अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप यहां से आप चैट कर सकते हैं या ग्रुप में जा सकते हैं, अब जो भी चीज़ चाहे यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रेंड लोग है वो यहां पे आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से FM WhatsApp में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों बाय।